अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने जिंदगी को जितना आसान बनाया है उससे ज्यादा बढ़ते डिजिटल फ्रॉड से मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का डेटा लीक होने की बहस के बीच अब एक और नई सिरदर्दी आ गई है। दरअसल देश के 70 लाख से ज्यादा यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा लीक हो गया है। एक सिक्योरिटी रिसर्चर के मुताबिक ये डेटा डार्क वेब के माध्यम से ऑनलाइन लीक हुआ है। डेटा लीक में भारतीय कार्ड धारकों के केवल नाम ही नहीं बल्कि उनके मोबाइल नंबर्स, इनकम लेवल्स, ईमेल आईडी और परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन डिटेल्स भी शामिल है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजाहरिया ने दावा किया है कि 70 लाख से ज्यादा भारतीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा प्राइवेट डेटा ऑनलाइन लीक हुआ है। राजाहरिया को यह जानकारी डार्क वेब फोरम के जरिए मिली है जहां इन डेटा को संभावित ग्राहकों को बेचा जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से देखो तो इन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी प्राइवेट जानकारी का इस्तेमाल कई तरह की गलत साइबर एक्टिविटीज के लिए किया जा सकता है। लीक हुए कुल डेटा का साइज 1.30 GB है, लेकिन राहत की बात यह है कि लीक हुए डेटा में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिसकी मदद से कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सके। INC42 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लीक हुए डेटा में करीब 5 लाख पैन नंबर भी हैं। इन डेटा से पता चलता है कि इन्हें कई अलग अलग सोर्स से जुटाया गया है। संभव है कि बैंकों के थर्ड पार्टी सर्विस पार्टनर्स ने ही ऐसी संवेदनशील जानकारियों को असुरक्षित रूप से रखा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लीक हुए डेटा में ज्यादातर डेबिट और क्रेडिट कार्ड देश के अलग अलग शहरों से हैं। इन डेटा से जुड़ा एक फोल्डर डार्क वेब पर जारी कर दिया गया है। संभावना है कि इसे बेच भी दिया जाएगा। राजाहरिया ने कहा है कि इस डेटा लीक के बारे में सबसे पहली जानकारी CERT-IN को दी गई थी। CERT-IN देश की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। हालांकि अभी तक उन्हें CERT-IN की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कार्ड होल्डर्स में एक विशेष तरह की समानता भी देखने को मिली है। लीक हुए डेटा में जिन कार्ड होल्डर्स की जानकारी है वो एक्सिस बैंक, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, केलॉग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैकेंसी एंड कंपनी में काम कर चुके हैं। इसमें ऐसे लोगों के कार्ड की भी जानकारी है जो सालाना 7 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजन और सामान्य ब्राउजिंग के दायरे में नहीं आती। इन्हें डार्क नेट या डीप नेट कहा जाता है। इस तरह की वेबसाइट तक स्पेसिफिक ऑथराइजेशन प्रोसेस, सॉफ्टवेयर और कॉन्फ़िगरेशन की मदद से पहुंचा जा सकता है। डार्क वेब भी इंटरनेट सर्चिंग का ही हिस्सा है, लेकिन इसे सामान्य रूप से सर्च इंजन पर नहीं ढूंढा जा सकता। इस तरह की साइट को खोलने के लिए विशेष तरह के ब्राउजर की जरूरत होती है जिसे टोर कहते हैं। डार्क वेब की साइट को टोर एन्क्रिप्शन टूल की मदद से छुपा दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई यूजर्स इन तक गलत तरीके से पहुंचता है तो उसका डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है।